नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे सभी लोग, बढ़िया है? मुस्कुराइए आप, भारतवर्ष में हैं और बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सनातनी हैं। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियो को देखते हैं, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। कनक धारा स्रोत बहुत ही चमत्कारी, तुरंत असर दिखाने वाला और दरिद्रता में जीवन अगर आपका बीत रहा है तो विश्वास रखिए, आज मैं जो बताऊंगा, जैसे बताऊंगा, अभी तक आपको YouTube चैनल पे किसी ने नहीं बताया होगा कि इस तरीके से कनक धरा स्रोत का पाठ अगर आप करते हैं तो चमत्कारिक रूप से आपको दूसरे तीसरे दिन से ही लाभ प्राप्त होना चालू हो जाएगा। क्योंकि हम किताबों से नहीं, हम गुरु मुख से प्राप्त हुई जो तरीके, जो वाणी रहती हैं, जो प्रयोग रहते हैं, जो नुस्खे रहते हैं, जो साधना सिद्धि रहती है और जो आजमाए हुए रहते हैं, वो आप तक पहुंचाता हूं ताकि आपका समय, आपका जो एक विश्वास है, विश्वास ना टूटे और समय ना बर्बाद हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार बोलिए राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। आज आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो बड़े जोश में दिख रहे हैं, कौन ऐसा खजाना मिल गया? यही खजाना है, यही खजाना है। और ये खजाना इसलिए जोश में हूं कि आप तक ये मैं पहुंचा रहा हूं, एक प्रमाणिक चीज। तो कनक धारा स्रोत हम कैसे करें, इसमें विशेष कोई नियम, विशेष कोई उसकी आवश्यकता नहीं रहती है कि हम विशेष नियम और किसी चीज का बाउंडेशन रहता, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब आपको करना कैसे है, बहुत ही सरलता के साथ मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आप अपनी जन्म पत्री में देखिए, आप अपनी जन्म पत्री में देखिए कि आप किस नक्षत्र को पैदा हुए, आप अपनी जन्म पत्री में देखिए कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए। गुरुजी ये क्या बोल दिए, मेरी तो जन्म पत्री ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कि हम किस नक्षत्र में पैदा हुए। तो आपके लिए मैं बताऊंगा, आपके लिए भी, जिनको मालूम है कि हम किस नक्षत्र में पैदा हुए वो उसी दिन चालू करेंगे, जिनको नहीं मालूम है कि हम कब पैदा हुए, किस नक्षत्र में पैदा हुए, वो किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी से कर सकते। शुक्ल पक्ष मतलब जब चांद निकलता है उसका जो पांचवा दिन होता है उसे पंचमी बोलते हैं, ठीक है। या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अगल बगल किसी पंडित ब्राह्मण से, विद्वान से मालूम कर सकते हैं। अब सबसे सर्वप्रथम आपको कनक धरा स्रोत की किताब मिल जाएंगी, आप नेट से प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको एक केसर लाना है, केसर को घोलना है पानी में और घर में जहां जहां आसन बिछाना उसके नीचे एक केसर से कमल बनाएंगे, पांच पंखुड़ी वाला गोल गोल, ठीक है, जैसे फूल बनता है, चारों तरफ पांच पंखुड़ियों का एक फूल बनाएंगे कमल के आकार का। अब उस पर हम एक पीला हल्का कपड़ा बिछा देंगे, उस पर पीले चावल डाल देंगे, फिर हम उस पर कुश का आसन, कुश का आसन अगर आपके यहां मिल जाता है पूजा वाली दुकान पे, अति उत्तम, नहीं मिलता है तो आप एक जो ऑरेंज कलर होता है, लाइट ऑरेंज या गुलाबी, उसका आसन बना लें और कनक धरा स्रोत आप लक्ष्मी जी का चित्र सामने रखिए, उनको फूल धूप दीप जलाकर, दीप सरसों का तेल करना हो, घी का हो या मीठे तेल का, समय आप संध्या काल गोधूल के समय या प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय करें, नहा धोकर, ठीक है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुकर के करना है। आप, आपकी पत्नी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, घर का कोई मेंबर कर सकता है, जो करेगा वो नॉन स्टॉप 41 डेज करेगा और जीवन में अगर इसको करता ही रहे तो बढ़ता चला जाएगा। अब लक्ष्मी जी का चित्र आ गया, उनको धूप दीप इत्यादि देकर नॉर्मली जैसे आप डेली पूजन करते हैं सेम उसी तरीके प्रक्रिया करना, कुछ विशेष नहीं।
आसन और उस कमल का विशेष जिसके ऊपर आप बैठे हैं उसका विशेष महत्व है। अब हाथ में थोड़ा सा चावल लीजिए और बोलिए, मैं अपना नाम, पुत्र अपनी माता का नाम, निवासी अपने जिस जगह पर रहते हैं, आज का दिन, दिन तारीख सन, मैं अपनी दरिद्रता, हमारी गरीबता, इसको मिटाने के लिए आपका पाठ कर रहा हूं। हे लक्ष्मी मैया, आप अपनी कृपा मेरे मेरे परिवार पर बरसाएं और धन्य दान ऐश्वर्य से सब भरपूर रखें, और इसका मैं संकल्प ले रहा हूं कि 41 दिन मैं लगातार आपका 108 बार पाठ करूंगा। ऐसे डाल दीजिए मूर्ति के पास। अब 41 दिन में आपको 108 पाठ करना है। वो डिवाइस कर लीजिएगा कि कैसे करना है 41 को, आप 108 से भाग या आपको जोड़ के अपना देख लेना कि कितना आता प्रतिदिन, उतना पाठ करना है। अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं तो एक पाठ डेली करिएगा, तब भी काम चलेगा। और अगर 41 दिन में आप 108 पाठ कंप्लीट करते थे तो बहुत बढ़िया है। तो संकल्प लेने के बाद आप कमलगट्टे की माला से अगर 108 पाठ कर रहे हैं तो कमलगट्टे की माला से ही आप जैसे चार किए, चार ये जैसे होता नहीं है, हम चार बार किए तो जहां पे चार पाठ आया वहां पे सिंदूर लगा दिए ताकि हमको याद रहे कि हमने आज चार किया। फिर अगले दिन जब पढ़ेंगे फिर चार करके फिर सिंदूर लगा दिया। इसी तरीके क्रम से हम लगाते चलते हैं। इससे बढ़िया कि हम 108 कमलगट्टे के बीज ले लें, 108 कमलगट्टे के बीज ले लें और उन बीजों पर डेली मुझे जितनी बार पढ़ना हो उतनी बार बीजों पर फूंक मार के एक डिब्बे में इकट्ठा करते चले जाएं। लास्ट वाले दिन उनको हवन सामग्री में मिलाकर घी के साथ हम हवन कर देंगे, ठीक है। 11 बार पढ़ के 5 बार, ठीक है, 5 11 9 बार पढ़ के हम लास्ट वाले दिन हवन करना है। ये दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, या तो 41 दिन में 41 मर्तबा पढ़ लीजिए, या तो 108 बार कंप्लीट करें। जो एक प्रोसीजर 108 का वो कंप्लीट कर लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये दोनों जो हैं, जो जन्म लिए हैं उसी नक्षत्र से चालू करें, जन्म नक्षत्र से, और जो जिनको अपना नाम पता नहीं मालूम, नाम पता मतलब कि किस तारीख को पैदा हुए, किस तिथि को पैदा हुए, किस वार को पैदा हुए, कुछ भी नहीं मालूम, तो वो पंचमी से चालू करें। इसका फायदा यह है कि कर्ज आपका हटेगा, धन का आगमन होगा, लक्ष्मी निवास करेंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी, काम बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा, घर में मंगल कार्य होंगे, कलेश मिटेगा, पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी जी हमेशा कृपा करेंगी, वो भी अकेले नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि के साथ आपके ऊपर कृपा बरसेगी। ये बहुत अच्छा उपाय मैंने दिया, इसको करिए, लाभ उठाइए। और किसी प्रकार की दिक्कत तो हमारी कॉलिंग सेवा है, निःशुल्क है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। कॉल नंबर आपको हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये और सुबह रविवार को छुट्टी रहती है, ध्यान रखिएगा, बहुत से भाई बंधु हमको रविवार को भी कॉल करते हैं, और जो व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछते हैं तो व्हाट्सएप पे सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, सिर्फ कॉल पे दिया जाता है। और ध्यान रखिए, कमेंट में अगर आपको कोई नंबर देता है कि मैं बहुत परेशान थी, थैंक यू गुरु जी, मेरा ये काम हो गया, तो उस नंबर पर बिल्कुल ना संपर्क करें, क्योंकि आप लुट जाएंगे, वो फ्रॉड लोग होते हैं। जब तक आप किसी को देखे ना, सुने ना, अच्छी तरीके से जाने ना, ऐसे लोगों से संपर्क ना करें। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर एक रुपये किसी को ना दें। अपने माता पिता की सेवा करें, घर की बेटियों की इज्जत करें, बहुओं की इज्जत करें, और बहुएं सास की इज्जत करें। साल में आपके यहाँ कोई फंक्शन पड़े, एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं। बाकी आपने अपना इतना कीमती समय दिया, माँ भगवती आपके साथ, आपके परिवार के साथ रह के सदा जय 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 कार करती रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव।